बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी, फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत मज़ेदार ये फ्राइड राइस बनते हैं। चिकन फ्राइड राइस बनाऊंगी। रेसिपी पसंद आए लाइक ज़रूर किया करें, शेयर करें अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको चिकन फ्राइड राइस की ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्राइड राइस के लिए सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। बोनलेस चिकन ली है, इस तरह के पीस में कटिंग कर ली है। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी नमक 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1/2 टीस्पून चॉप किया हुआ लहसुन, 1 टेबल स्पून मैं डालूंगी 1 से 1.5 टेबल स्पून मैदा, 1 टेबल स्पून सोया सॉस। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं चिकन के साथ। मैरिनेट करके 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे इसे। चिकन को मैरिनेट करके रख दिया है, मैं अब करती हूँ 3 अंडे लिए हैं, इसमें मैंने 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1/2 टीस्पून से कम कुटी हुई मिर्चें हैं रेड, और 1/2 टीस्पून से कम मैंने नमक, सॉल्ट और मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। बीट कर लेते हैं अच्छी तरह एग को। पैन को गर्म होने रख दिया था, इसमें डालते हैं 3 टेबल स्पून ऑयल, ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो ये बीट किया हुआ एग जो हमने बीट किया है इसको डाल देंगे फ्राइड राइस के लिए। सबसे पहले ऑमलेट तैयार कर लेते हैं, पैन में डालते हैं इसको, तेजी से चम्मच चलाएंगे। तैयार, इसमें पिंच मैंने जर्दे का रंग भी डाला है, इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। 15 मिनट का रेस्ट देने के बाद अब चिकन को फ्राई कर लेते हैं। पैन में ऑयल गर्म होने रख दिया है, इसमें डालेंगे ये मैरिनेट की हुई चिकन फ्राई के लिए। चिकन अच्छे से फ्राई हो गई है, इसे बॉल में निकाल लेते हैं। चिकन भी फ्राई करके निकाल दी है, ऑमलेट भी तैयार है। वेजिटेबल्स लिए हैं फ्राइड राइस के लिए, चॉप की हुई गाजर है 1/2 कप, 1/2 कप हरी प्याज है, 1/2 कप मैंने बंद गोभी ली है इसको भी फाइन काट लिया है, 3 टेबल स्पून शिमला मिर्च इस तरह की कटिंग कर ली है, मैंने 2 कप चावल लिए हैं बॉईल कर लिए हैं, नमक और ऑयल डाल के जब बॉईल हो गए तो मैंने 1 टेबल स्पून इसमें सिरका डाला था। सुबह बॉईल करके रखे थे, बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं फ्राइड राइस का तो सुबह बॉईल करके रूम टेम्परेचर पे रखें, फिर फ्रिज में रख दें। सबसे पहले पतीली में ऑयल डालूंगी 4 टेबल स्पून ऑयल। सबसे पहले ऑयल में चॉप किए हुए लहसुन 1 टीस्पून चॉप किया हुआ लहसुन डालूंगी, तो सब फ्राई हो जाते हैं लहसुन, तो इसमें चॉप की हुई 2 हरी मिर्चें, लहसुन पे थोड़ा कलर आ जाए तो इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। अब इसमें डालेंगे तमाम वेजिटेबल्स, हरी प्याज अभी नहीं डालनी है, वाइट प्याज, वाइट वाला पार्ट जो है हरी प्याज का वो मैं डाल रही हूँ। फिर जो
वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे। ज्यादा फ्राई नहीं करना वेजिटेबल्स, इसमें मैं डाल दूंगी फ्राई की हुई चिकन। साथ ही मैं इसमें डालूंगी राइस। मिक्स कर लेंगे तमाम चीजों को। फ्लेम को हाई रखना है। वेजिटेबल्स और चावलों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून नमक, नमक अपने टेस्ट के लिहाज से ऐड करें, 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चे, 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चे, 2 टेबल स्पून सिरका और 2 टेबल स्पून सोया सॉस। अच्छी तरह मिक्स करेंगे सब चीजों को। लास्ट में डालेंगे इसमें ऑमलेट जो फ्राई करके रखा था हमने। थोड़ी हरी प्याज थोड़ी बचाऊंगी गार्निश के लिए। तैयार हो गया, इसे डिश आउट करेंगे।